दोस्तों, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, भारत स्टेज 3 की गाड़ी को बैन करके, और हमारे आने वाली जनरेशन की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमें उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑटो सेक्टर में कितना लॉस कितना प्रॉफिट है वो ये मीडिया में हाइप बनाया जा रहा है। मीडिया में जबरदस्ती सुर्खियां बटोरी जा रही है। मीडिया ने जबरदस्ती हल्ला कर रखा है कि इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा। आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि 6 लाख के आसपास जो है टू व्हीलर भारत स्टेज 2 के स्टॉक में पड़े हुए हैं, लेकिन जब से इन्होंने ये डिस्काउंट दिया है, क्या आपको लगता है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 7 लाख टू व्हीलर नहीं बिकेंगे? आपको लगता है? मैं गया था शोरूम में हीरो के, रेवाड़ी सिटी की बात कर रहा हूँ, हीरो के शोरूम में गया था। सारी स्कूटियाँ स्कूटर्स जो भी है 10 बजे तक सारे बिक चुके थे, और होंडा वालों ने अपना सारा स्टॉक निकाल के शटर डाउन कर लिया था। ये तो हालत है। मीडिया ने हवा उड़ा रखा है, और वहाँ डीलर के पास पुराने स्टॉक है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो सेक्टर में नुकसान होगा, और अगर कुछ गाड़ियाँ स्टॉक में रह भी जाती है तो कुछ नहीं करना है, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने होंगे इंजन में, जिसमें 1000 से 2000 तक की कॉस्ट आएगी। और हो सकता है कि जो उसकी टेल पाइप है उसमें कैटलिक कन्वर्टर जो होता है उसको एडवांस कर दें। मैंने एक बात करी थी जो हीरो मोटोकॉर्प में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है मेरा दोस्त, उससे आपको मैं जल्दी मिलाऊंगा, और उससे मैंने बात करी थी तो उसका यही कहना था कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ जो एडिशनल कॉस्ट है गाड़ियों को रिकॉल करने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो, और जिसके पास अभी BS3 व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चलेंगे। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो चलेंगे। बस जो आज खरीदे हुए व्हीकल्स हैं BS3, आज तक के ही आपके रजिस्टर हो पाएंगे। और इंडिया में आपको तो पता ही है, जुगाड़ चलता ही है। अगर आप 1 या 2 तारीख को भी गाड़ी खरीदते हैं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी खरीदते हैं BS3 की, तो वो बैक डेट में दिखा के भी करवा सकते हैं, इतना तो चलता ही है। मैं थोड़ा सा आपको BS2, BS3 एंड BS4 के बारे में बता दूं। मान लीजिए जैसे BS3 है और BS4 है, जैसे इसके नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा इसका पॉल्यूशन लेवल कम होते जा रहा है। मतलब BS4 की गाड़ियों में जो एमिशन होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, जो जो कि ये तीनों गैस बहुत ही हार्मफुल है, उनकी क्वांटिटी कम होती है BS3 के मुकाबले। ऐसे ही अगला है BS5, देन BS6। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो BS5 को स्किप करने वाली है, तो डायरेक्ट वो BS6 में आने वाली है। इसका टारगेट है 2020 तक BS6 लागू करना इंडिया के अंदर। BS की फुल फॉर्म है भारत स्टेज, एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है पॉल्यूशन लेवल का। इसके अंतर्गत आने वाली गाड़ियाँ इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो उसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर लगे होते हैं वो फिल्टर आउट कर देते हैं। जो कैटलिक कन्वर्टर होते हैं वो इंजन से निकलने वाली गैस जो कि हार्मफुल होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और BS3 एंड BS4 में इंजन से कितनी कितने क्वांटिटी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन निकलने चाहिए, उनकी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, एक जनरल कोई ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो नहीं था, बट आपको हमारी ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके आई बटन में जाके, और लास्ट में जो एंड स्क्रीन एनोटेशन आएंगे उसमें जाके आप हमारे चैनल पे वीडियोस हमारी देख सकते हैं। और आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे बहुत सारी वीडियो की लड़ियाँ लगाने वाला हूँ मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।